मेरे मोहतरम भाइयों, तकदीर को अगर कोई चीज़ बदल सकती है तो वो दुआ है। और जो दुआ का सबसे बेहतरीन वक्त है, जिसमें अल्लाह सुबहान व तआला खुद ऐलान फरमाते हैं, है कोई मुझसे मांगने वाला, है कोई मुझसे लेने वाला, है कोई मुझसे चाहने वाला। मेरे मोहतरम भाइयों, तहज्जुद का जो वक्त है, ये इस कायनात का सबसे बेहतरीन वक्त है, जिस वक्त अल्लाह सुबहान व तआला हर दुआ को कबूल करता है। तो अगर बेटे चाहते हो ना, तो तहज्जुद की आदत बना लो, तहज्जुद की, और सजदे में जाके रब से मांगो। मेरे मोहतरम भाइयों, उस वक्त दुआएं सुनी जाती हैं, उस वक्त दुआएं कबूल होती हैं। और इसके साथ एक हिकमत की बात है, इसमें हकीकत कहाँ तक है वल्लाहु आलम। जो चांद की ताक रहते हैं, जो चांद की, मेरे मोहतरम भाइयों, ये अल्लाह को बड़ी पसंद है, ये अल्लाह को। और अल्लाह सुबहान व तआला ने लैलतुल कदर को भी किस रात में रखा है, और हमें जो लैलतुल कदर की तलाश का हुक्म दिया, वो कौन सी रातों में दिया? ताक रातों में। मेरे मोहतरम भाइयों, जब आपकी बीवियां ये जो पीरियड्स होते हैं उससे पाकीज़ा हों, और उसके बाद जो चांद की ताक रातें हैं, इसमें अपनी बीवियों के पास जाओ। बहुत बेहतरीन तरीका ये है कि जब आप अपनी बीवियों के पास जाओ, तो दो नफल पढ़ो और अल्लाह से दुआ करो। और जो बीवी के पास जाने की दुआ है, अल्लाहुम्मा जन्निबी शैताना जन्निबनी शैताना मा रज़क़ताना, ये दुआ का अहतमाम करो और फिर मिलो। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी सारी नेक ख्वाहिशात को पूरा करने वाले हैं।